Hello friends, this is Arnik and welcome to my YouTube channel Arnik the Way of Solution. So friends, आज हम जानेंगे कि ऑडिट के क्या प्रॉफिट्स हैं एंड लिमिटेशंस क्या है. इट मीन्स हमें ऑडिट क्यों करानी चाहिए और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस एंटिटीज़ हैं जो ऑडिट नहीं कराती हैं बिकॉज उनको लिमिटेशंस ज़्यादा मायने रख जाती हैं उनके लिए. तो पहले हम चेकआउट करते हैं कि प्रॉफिट्स क्या हैं, एक ऑडिट कराने में हमें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं. सो पहला है हमारे चेक ऑल दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. प्रॉफिट नंबर फर्स्ट में चेक ऑल दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब कोई भी कंपनी या फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप अपने यहाँ पे ऑडिट करवाती है या उसके यहाँ ऑडिट होती है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर यानी कि हर तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वाउचिंग वेरिफिकेशंस, ये सारे काम एक ऑडिटर करता है यानी कि चेक करता है. इस तरीके से अगर कोई कंपनी या कोई संस्था ऑडिट करवाती है तो उसके सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स इंस्ट्रूमेंट्स चेकड हो जाते हैं कि सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती है हमें, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी को जहाँ पे ऑडिट हो रही है. तो एक कंपनी के लिए ऑडिट कराना इसलिए भी बहुत मस्ट हो जाता है. कंपनी के केसेस में तो ये कंपलसरी है कि ऑडिट आपको करानी करानी है. बट मैं अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात करूँ तो ऐसी संस्थाओं में ऑडिट कराने पर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि उनकी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब ऑडिटर द्वारा चेक कर ली जाती है. तो ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है ऐसी संस्थाओं के लिए. एंड सेकंड है पॉलिसीज़, यानी कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिट के दौरान वो उस इंस्टीट्यूशंस में या एंटिटी में उस पॉलिसीज़ को भी चेक करता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी गई हैं. इट मीन्स ICAI के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके अंदर जो भी पॉइंट्स नोटेड हैं उसके अकॉर्डिंग ही उस पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए. मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है स्टॉक वैल्यूएशन का. स्टॉक वैल्यूएशन की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि आप अपने स्टॉक का वैल्यूएशन या तो फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करेंगे या तो वेटेड एवरेज मेथड में करेंगे. अगर कोई कंपनी या कोई फर्म अपने स्टॉक का वैल्यूएशन इन दो मेथड के अगेंस्ट करती है यानी इन दो मेथड के अलावा किसी थर्ड मेथड या कोई अदर मेथड से करती है तो ये कहा जा सकता है कि उस पॉलिसी को फुलफिल नहीं किया गया है. किस पॉलिसी को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पॉलिसीज है उसको फुलफिल नहीं किया गया है. तो इट मीन्स ये हो गया कि जब कोई कंपनी या फर्म ऑडिट कराती है तो एक ऑडिटर ये भी चेक कर लेता है कि सारी पॉलिसीज़ को फुलफ़िल किया गया है या नहीं, जिसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कंपनी को मिल जाता है. कंपनी को ये बात पता चल जाती है कि उसने सारे कंडीशंस पॉलिसीज़ जो है अच्छी तरीके से निभाई हैं, अच्छी तरीके से फॉलो किया है, तभी जाके उसको क्लीन चिट एक ऑडिटर ने दे दिया. एंड थर्ड ऑप्शन है मार्केट गुडविल, यानी कि अगर आप कोई कंपनी या फर्म का ऑडिट होता है तो और ऑडिटर उस फर्म या कंपनी को क्लीन चिट दे देता है और उसकी सारी कमियों को या मतलब उसकी जो भी वर्क्स हैं उसको चेक करता है एंड देन आफ्टर अगर वो फाइंड करता है कि इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है, यानी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी बुक्स एज इट इज़ अच्छी बनी हुई हैं, ठीक ठाक बनी हुई हैं, तो वो बंदा उसे क्लीन चिट यानी ट्रू एंड फेयर का कमेंट कर देता है एंड क्लीन चिट उसको दे देता है. तो ऐसे केसेस में कंपनी को जो कंपनी का नाम है मार्केट में और ज़्यादा बिलीवेबल हो जाता है, उसकी मार्केट में वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. यानी कि एक ऑडिट कराने पर अगर आपको क्लीन चिट होता है या आपको पता है आप बहुत फेयर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्लीन चिट मिलना ही है. तो यानी कि एक कंपनी को ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक ऑडिट के दौरान. एंड नेक्स्ट है फाइंड एंड डिडक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स. ऑफकोर्स जाहिर सी बात है अगर आप ऑडिट अपने यहाँ करवाते हैं तो आपको जो भी आपकी कमियां हैं आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या बुक्स में जो एरर्स हैं, गलतियां हैं या फिर कोई भी फ्रॉड्स अगर हो रहे हों तो एक ऑडिटर उसे ईजली वे में फाइंड भी कर सकता है
और उसे वो दूर करने के लिए आपको बहुत सारे वे बता सकता है, तरीके बताता है कि आप इसको इस तरीके से रोक सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यानी कि एक ऑडिट करने पर, करवाने पर आपको अपने गलतियों, बुक्स में जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में और फ्रॉड्स के बारे में भी बड़े इजीली पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जाहिर सी बात है, अगर आपकी कंपनी या फर्म में ऑडिट हर साल हो रहा है और आपको ऑडिट का जो रिस्पांस कमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है या इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को आपके यहाँ ही इन्वेस्ट करेंगे। सोशल मार्केट वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी एक ऑडिट करा कर आपको क्लीन चिट मिलता है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है एक कंपनी और फर्म के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। एंड नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑल दी बुक्स। ये तो मानी सी बात है, अगर आप अपने कंपनी या फर्म में ऑडिट करा रहे हैं तो आपको अपनी सारी बुक्स को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, मस्ट है ये तो। अगर आपकी बुक्स प्रिपेयर नहीं है तो ऑडिट हो नहीं पाएगी और आपको जो कमेंट मिलेंगे वो निगेटिव मिलेंगे, तो फिर कोई इफ़ एंड बट का सवाल ही नहीं उठता है। तब तो फिर अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको निगेटिव वे में कमेंट करेगा आपके आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी है। सो इट्स ए मस्ट कि आपको अपने सारे बुक्स को प्रिपेयर करना बहुत ही नेसेसरी है अगर आपको ऑडिट करानी है। अगर आपकी कंपनी है तब तो आपको करना ही करना है, और अगर आपको सोल प्रोप्राइटर है, आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन तो कर रहे हैं बट सोल प्रोप्राइटर फॉर्म के लिए ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपको कराना ही कराना है ऑडिट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कोई अनिवार्य नहीं है, आवश्यक कर दिया गया है लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कि वो कराना चाहता है या नहीं। अगर उसकी फर्म काफ़ी बड़ी है तो जाहिर सी बात है ऑडिटिंग तो होनी ही होनी है फिर तो, और कराते भी हैं। कराने से बहुत सारे बेनिफिट है जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है। तो ये 6 मैंने बेनिफिट्स बताए हैं आपको कि एक ऑडिटिंग कराने पर क्या क्या कंपनी को बेनिफिट्स होते हैं, यानी अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हैं वो हो गए। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। ऑडिट कराने के क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला है ऑल द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी चेक्ड। जी जाहिर सी बात है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट करता है तो साल में एक बार, नियरली अबाउट एक बार होती है ऑडिट। कंपनी अगर एक कंपनी में अगर 200 लोगों ने मिलकर अकाउंटिंग बुक मेंटेन की है उस कंपनी की, तो एक लौता चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके कलीग जो उसके पार्टनर्स हैं वहाँ पे वर्क करने के लिए सीए के, तो वो पूरी बुक आपकी चेक नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जांच नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। इट मीन्स कि अगर आपने एक दिन में 1 लाख ट्रांजेक्शन किए हैं तो एक ऑडिटर आपके 1 लाख ट्रांजेक्शन को वन बाय वन करके नहीं चेक करेगा, वो सेलेक्टिव चेक करेगा। सेलेक्टिव चेक क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर वो आपके टॉप सॉरी सिलेबस के अंदर रहेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा इस चीज़ को। एंड इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी बुक्स को चेक नहीं करता है, पूरी से पूरी बुक वाउचिंग पूरी नहीं करता है, वो वाउचिंग वेरीफिकेशन भी पूरी नहीं करने वाला, यानी 100% वो एग्ज़ामिन नहीं करेगा हर चीज़ को। तो ये एक बड़ी कमी है ऑडिट कराने की। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस चीज़ को सीए ने या ऑडिटर ने नहीं टच किया है उसी में ही एरर्स या फ्रॉड निकल आते हैं, ऐसे भी चांस हो सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि चार्ट अकाउंटिंग नहीं कराने सॉरी ऑडिटिंग नहीं करानी चाहिए, डजेंट मीन कि ऑडिटिंग आप नहीं कराएंगे, ऑडिटिंग मस्ट है और कराने में बेनिफिट भी होते हैं। बट इसमें ये सबसे बड़ी लैकनेस है कि 100% चेकिंग नहीं करता है कोई भी ऑडिटर, और ऐसा कहीं आईसीएआई ने बोला भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक कंपनी जब ऑडिट करवाती है, ऑडिट होता है कंपनी के यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑडिट कल स्टार्ट हुआ और आज ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स ऑडिट आप या आपकी कंपनी में अगर होता है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने का मतलब है 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। ये इसकी ड्यूरेशन आईसीएआई ने कोई फिक्स नहीं किया है कि आपको 2 महीने में फिनिश करना है या 3 महीने में,
उनकी अपर लिमिट 2 से 3 महीने की रही है, यानी कि अगर आपको अपनी कंपनी में ऑडिट कराना है तो 2 से 3 महीने लगने ही लगने हैं। 2 से 3 महीने लगना मतलब 12 महीने में 3 महीने तो ऑलरेडी कम हो जाएंगे आपके ऑडिटिंग के लिए, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसके ये उसकी बड़ी लिमिटेशन है। इसी सबसे बड़ी रीज़न के चक्कर में कोई छोटी फर्म अपने यहाँ ऑडिट नहीं करवाती है, क्योंकि लंबा प्रोसेस लग सकता है वहाँ पर। एंड थर्ड है एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। जाहिर सी बात है, अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है 1 से 2 महीने 3 महीने एक ऑडिटर आपके यहाँ आके ऑडिट करेगा, जाहिर सी बात है, तो आपके पास जो फाइनेंशियल यानी उसकी फ़ीस है या उसके कलीग्स की जो फ़ीस है, उसके एम्प्लॉयज़ की जो फ़ीस है, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन जो है ऐड हो जाता है आपके अदर एक्सपेंसेस के में, यानी जहाँ पर आपका महीने में सॉरी जहाँ पर आपका लाख साल भर में 10 लाख 15 लाख ऐड हो रहे थे, तो उसमें ऑडिटिंग फ़ीस भी ऑडिटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ यानी ऐड कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से तो अच्छा खासा पैसा बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। और छोटी फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में HUF में बात करें तो इसी कुछ रीजन से वो अपने यहाँ ऑडिटिंग नहीं करवाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट ईजी टू डिटेक्ट सम फ्रॉड। यानी कि एक ऑडिटर, जाहिर सी बात है, जब पूरी की पूरी 100% आपकी बुक को चेक नहीं करेगा, तो मानी सी बात है कि वो सारे फ्रॉड्स को, सारे एरर्स को नहीं डिटेक्ट करवाने वाला है। जो चीज़ें क्या पता ऑडिटर ने ड्रॉप कर दी, छोड़ दी है, निगलेक्ट कर दिया है, या ओवरव्यू लेकर छोड़ दिया है, तो क्या पता उसमें ही फ्रॉड या एरर्स निकल आए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कहीं ना कभी कुछ एरर्स और फ्रॉड्स छूट जाते हैं, या फिर जो फ्रॉड करता है या फिर जो बंदा मैनिपुलेशन या हेरा फेरी करता है, वो अगर हेरा फेरी करने वाला बड़ा ऊंचे ओहदे वाला बंदा है हेरा फेरी करने में, वो तो उसी लेवल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है उस हेरा फेरी या उस मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए। तो इट मींस कि कुछ ऐसे एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA ऑडिटर नहीं कैच कर पाते, नहीं पकड़ पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई लिमिटेशंस। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं इस पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से भी मैंने काफ़ी हद तक तो कंप्लीट भी करा दिया है। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर अपकमिंग सेकेंड थर्ड वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको भी शेयर करूँगा। सो आई होप कि आपको आज प्रॉफिट एंड लिमिटेशंस ऑडिटिंग की समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आम भाषा में इसको लिखिए। टॉपिक्स को बस याद कर लीजिए, उसके अंदर के मैटर को अगर आप टॉपिक्स याद कर लेते तो उसके अंदर के मैटर को ईजी वे में आप लिख सकते हैं, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो। सो अगर आपको टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके ये वीडियो बार बार देखिए, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।